गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को वर्क आर्ट की पहले पार्ट की कविता मन भावन सावन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके कवि हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत जी। कवि ने इस कविता में सावन का महत्व बतलाया है, सावन के बारे में बतलाया है कि सावन इस धरती के इंसान, हर इंसान से लेकर जीव जंतु सबों को बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति के पेड़ पौधे भी सावन की ऋतु के लिए लालायित रहते हैं, सबों को सावन का इंतजार रहता है। कविता में कवि ने बताया है कि सावन जब आता है तो आकाश मेघों से आच्छादित हो जाता है, पेड़ पौधे सावन की झड़ी में हरे हो जाते हैं, तरोताजा महसूस करने लगते हैं अपने आप को, हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, नदी तालाब जल से भर जाते हैं, मेंढक टरटरा करके ऐसा लगता है जैसे वो सावन का स्वागत कर रहे हैं। तो मैं अब कविता की ये पहली पंक्ति शुरू करने जा रहा हूं, जैसे कि झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। झमझम मेघ यानी कि जी भरकर भरपूर रूप से सावन बरस रहा है, आकाश से सावन की झड़ी धरती पर पड़ रही है, छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छन छन की। छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छन छन की, इसका मतलब है जब सावन की बूंदे आकाश से गिरती हैं तो वो पेड़ों पर पड़ती हैं, और जब वो पेड़ों पर पड़ती हैं तो पेड़ों से पत्तियों से वो छन छन कर धरती के पर गिरती हैं, और जब वो धरती पे गिरती हैं तो उनकी आवाज ऐसी महसूस होती है जैसे लगता है कि किसी महिला के पांव की पायल की आवाज है, वो आवाज झन झन की होती है। चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन की। उर का मतलब होता है हृदय, मनुष्य की आत्मा। घन घन का मतलब होता है बादल। चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। कहने का मतलब है कि जब आकाश में चारों तरफ से सावन की ऋतु में बिजली चमकने लगती है तो हृदय कुछ पल के लिए थम सा जाता है, और ऐसा लगता है कि इंसान दिन में ही कोई सपना देख रहा हो। पंखों तेरे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल। करतल का मतलब होता है हथेली। ताड़ों के दल का मतलब होता है ताड़ के लंबे बड़े बड़े विशाल विशाल पत्ते। पंखों तेरे फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल। जब सावन के बरसात की लड़ी ताड़ों के पत्तों पर पड़ती है तो वे और ज्यादा फैल जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई विशालकाय पक्षी अपना पंख फैलाए हुआ है, और उनकी लंबी लंबी उंगलियां हैं और बड़ी बड़ी हथेलियां हैं। तड़तड़ परती धार वारी की उन पर चलचल, टप टप झड़ती कर मुख से जल बूंदे झलमल। तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चलचल, टप टप झड़ती कर मुख से जल बूंदे
झलमल। वारी का मतलब होता है जल। जब सावन की धार उन पर पड़ती है तो वो टप टप कर झड़ती हैं और वो बूंदे झलमल झलमल ऐसे लगती हैं जैसे कि मोतियां हैं। नाच रहे पागल हो ताली देते चलदल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विहवल। ऐसा लगता है कि वो पेड़ पौधे सावन की झड़ी को पाकर खुशियों से मदमस्त हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, और नीम का पेड़ जिस पर सावन की बूंदें पड़ रही हैं तो वो विह्वल हो रहा है, भाव विभोर हो रहा है। हर श्रृंगार झरते बेला कली बढ़ती पल पल, हसमुख हरियाली से खबुल गाते मंगल। यही सावन की बूंद कभी नीम पर पड़ती है, कभी ताड़ के पत्ते पर पड़ती है, तो कभी हर श्रृंगार के फूल के ऊपर भी पड़ती है। जब वह हर श्रृंगार के फूल के ऊपर पड़ती है तो पशु पक्षी एक मंगल गीत स्वागत गीत गाने लगते हैं उस शाम के लिए। दादुर टर टर करते झिलमिली बजती झनझन, प्याव प्याव रे बोर पी उचातक के गण। दादुर, दादुर भी क्या होता है तो दादुर मेढक को बोलते हैं। जब सावन की बूंदें पड़ती हैं तो मेढक भी क्या करता है, आवाज करने लगता है, टर्टर की आवाज करता है। और मोर, मोर अपनी प्याव प्याव की आवाज उस सावन के स्वागत में बोलने लगता है। उड़ते सोन वला आग्रमुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरती कर। उड़ते सोन वला आग्रमुख से कर क्रंदन, सोन वला एक पक्षी है और वह पक्षी जब सावन में उड़ता है तो उसका शरीर सावन की बूंदों से आग्र हो जाता है, नम हो जाता है। वह भी क्रंदन करने लगता है, वह भी चिल्लाने लगता है, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। और यह मेघ और भी ज्यादा उमड़ जाते हैं, और भी ज्यादा गर्जन करने लगते हैं। रिमझिम रिमझिम क्या बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। जब सावन की बूंदें रिमझिम रिमझिम कर इस धरती पर पड़ती हैं तो धरती तथा धरती के ऊपर रहने वाले पशु पक्षी मानव सभी की अंतरात्मा सभी खुश हो जाती है, सभी के रोम रोम सिहरने लगते हैं। धरती की प्यास बुझ जाती है, धरती खिल उठती है, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण से तृण तृण की पुलकावली भर। धाराओं पर धाराएं यानी कि पहले मेघ की मेघ के बरसात की एक धारा बढ़ती है, उसके बाद फिर धारा पर धारा धरती पर सावन में बरसने लगती है। और रज, रज का मतलब होता है धूल, धूल के कणकण में जो घास उगी हुई होती है वह भी पुलकित हो जाती है यानी कि खुश हो जाती है। और पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे अब मुझे घेर कर गाओ सावन। वह पानी की धाराओं में झूलने लगता है और कहता है, ऐ मेघ और बरसो, जी भर के बरसो ताकि मुझे सावन के गीत गाने का मौका मिले। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जल, फिर आए जीवन में सावन मन भाव। बारिश खत्म होती है, थोड़ी देर के लिए बूंदें रुकती हैं, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं। इसको इस तरह से याद कर लीजिए, बैनी आह पिनाला। बै मीन्स क्या होता है, बैगनी। नी मीन्स क्या होता है, नीला। आप
का मतलब होता है आसमानी, ह का मतलब होता है हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो जब सावन की बूंदे पड़नी थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती हैं तो आकाश में उनके स्वागत के लिए इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है और ऐसा लगता है कि उस इंद्रधनुषी झूले पर सब लोग झूल रहे हैं और यही आकांक्षा करते हैं कि ये सावन इस धरती पर बार बार आए और धरती के हर प्राणी इस सावन का आनंद ले। तो बच्चों आज हमने ये सावन कविता आप लोगों को पढ़ाई। मन भावन सावन यानी कि मन को भाने वाला, मन के को छूने वाला, दिल को प्यारा लगने वाला सावन। इंसान को कैसा लगता है जब सावन की ऋतु आती है तो इंसान कैसा महसूस करता है। अब मैंने बोर्ड पर कुछ कठिन शब्दार्थ लिखवा दिया है, आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद। तो ट्रायल है, देखिए कैसे।